रामनवमी के बाद सासाराम शहर चर्चों में रहा। सासाराम शहर में रामनवमी के बाद जिस तरह से दंगे भड़के, इसकी खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही थी। अब ऐसे में तमाम गिरफ्तारियां और तमाम जिम्मेवारियां इस दंगे के बाद तय की जाने लगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि सासाराम में 5 बार विधायक रह चुके जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। और ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, सासाराम विधानसभा से बीजेपी कोटे से 5 बार के विधायक जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार की रात लश्करीगंज स्थित आवास पे पहुंचती है पुलिस और वहां से जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हो जाती है। शाहबाद के DIG नवीन चंद्र झा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि 5 बार के विधायक जवाहर प्रसाद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, कई आत्मसमर्पण भी बीजेपी के अभी फिलहाल में 3 नेताओं ने आत्मसमर्पण शिवसागर थाने में किया था। इसके बाद अब ये गिरफ्तारी और लगातार छानबीन चल रही है पुलिस की इस मामले पर। मैं आपको बताते चलूँ कि 1990 में सासाराम विधानसभा से पहली बार विधायक बने थे जवाहर प्रसाद। अब इस बार के विधानसभा में भी इनकी प्रमुख दावेदारी मानी जा रही है भाजपा के कोटा से। पिछली बार चुनाव में ये जो सासाराम की सीट थी वो जदयू के खाते में चली गई थी, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब ऐसे में इनकी गिरफ्तारी इनके राजनीतिक करियर पे क्या कुछ असर डालता है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि भाजपा के प्रमुख नेता और 5 बार सासाराम से विधायक को रामनवमी दंगे और हिंसे के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दंगे के बाद राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चाएं चली, तमाम जिम्मेवारियां तय की जाने लगी। अश्विनी चौबे जब सासाराम आते हैं तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इस दंगे के पूरे जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। अब इस तरह से जिम्मेवारियों और गिरफ्तारियों के बाद लगातार तमाम खबरें बन रही हैं और उन सभी खबरों से सबसे पहले हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो जुड़ रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।